लाइया मोहब्बत दूर दराजे, लाइया मोहब्बत दूर दराजे, पखिया तो होया कसूर है, पखिया तो होया कसूर। हिमाचल से तो मुझे लगता है कि मेरा शुरू से ही कुछ कनेक्शन है, नहीं पता कैसे हुआ बट लगता है मुझे। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं यहीं आऊं, यहीं रहूं, तो वो गौरव के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। और वो जैसे बोलते हैं ना कि आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, तो वो मुझे गौरव के अंदर बहुत एविडेंटली दिखता है। जैसे यहाँ पर आके ऐसे पीसफुल फील होता है, वैसा मुझे उसकी कंपनी में भी वही पीस फील होती है, मुझे वही सूदनेस उसकी कंपनी से मिलती है जो मुझे यहाँ के एनवायरनमेंट से मिलती है। पापा ने मुझे हर चीज के लिए हमेशा इनकरेज ही किया है, मैं कुछ भी करूं। तो जब पापा को गौरव के बारे में भी पता चला तो पापा ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। वो तो फिर भी एक सेपरेट है, आज मेरी शादी हो रही है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इमोशनल मेरे पापा ही हैं। Because you always look up to your father. Your father is your first friend in your life. तो शुरू तुम जो भी सीखते हो या कुछ भी है, that comes from your father. कुछ भी चाहिए था, college जाना है, घूमने जाना है, अच्छा पापा गोवा के trip के लिए जाना है, तो पापा is someone जिसके through तुम वो सब कर पाते हो, possible हो पाता है। पापा makes your wishes like he is the living God. He makes your wishes come true. We have fallen down again tonight. In this world, it's hard to get it right. God का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें आज यहाँ। दोनों हम मॉम डैड मिल रहे हैं, हमारे दो फैमिलीज मिल रही हैं, तो we'll make it. दो तीन साल पहले ही तुम चाहती थी कि मैरिज हो जाए और हमारे मॉम डैड भी चाहते थे सब हो जाए दो तीन साल पहले जब मैं रेडी नहीं था, तो यू कन्विंस देम, तुमने वेट किया दो साल एंड फाइनली सब हो रहा है, तो बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग है कि वेट किया तो वर्थ था। And light will come again. Swing open up your chest and let it in. Just let the love, love, love begin. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. मैं गौरव को फर्स्ट टाइम मिली थी थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स, एंड व्हेन वी फर्स्ट सॉ ईच अदर वी हैड अ मोमेंट। उसके बाद हम मिलते रहे, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी फेल फॉर ईच अदर, एंड सिंस नाउ आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू हिम, दिस फीलिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। सुरभि, फर्स्ट टाइम आई सॉ यू अराउंड 2010 इन कॉलेज कैंटीन, सो व्हेनेवर आई लाइक दैट डे आई रियलाइज्ड ओके दिस कुड बी दैट गर्ल, एंड देन वी डिड आवर कॉलेज, फिर जॉब भी साथ में लग गई, देन हियर वी आर फाइनली गेटिंग मैरिड टुडे।
everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, just let the love begin. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, just let the love begin. Gaurav bahut hi genuine lage mujhe, bahut hi practical person hai. मैं गौरव को देखती हूँ और बाकी सबको देखती हूँ तो वो मुझे बहुत बहुत डिफरेंट लगता है बाकी सब लोगों से. सो आई थिंक दिस इज द रीजन दैट आई ट्रूली फेल फॉर हिम. दिल्ली जाते हैं अपने काम से, तो मुझे याद है हमेशा पापा रात को अराउंड 2 o'clock पापा यूज़ टू कम बैक फ्रॉम दिल्ली. तो मैं सोती नहीं थी, मैं हमेशा उठ के वेट करती थी, अच्छा पापा मेरे लिए क्या लेके आए हैं. तो पापा से चाहे मैं पूछूं नहीं पूछूं पर मैं हमेशा उनका बैग खोल के देखती थी और एंड आई ऑलवेज फाउंड समथिंग कि हाँ मेरे लिए कुछ तो आया है, चाहे वो टॉय हो या कुछ हो. वो तो छोटे होते की बात है. इवन टिल डेट जो लास्ट टाइम पापा दिल्ली गए थे, मैंने अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं अब उनसे नहीं बोलती कि हाँ मेरे लिए कुछ लाओ, बट आई जस्ट चेक कि पापा कुछ लाए हैं क्या. और वो पापा मेरे लिए एक हेयर स्ट्रेटनर लाए हुए थे अपनी मर्जी से, अपनी पसंद का. तो वो बहुत अच्छा लगता है देख के. और पापा ऑलवेज थिंक्स ऑफ मी कि हाँ इसको क्या चाहिए. और एक और चीज़ है पापा की हैबिट है, वो थोड़ा मेरे को अनॉय भी करती है और एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा स्वीट है. मैं घर आती हूँ, सिंस 11 से ही मैं बाहर चली गई थी पढ़ने, तो अब जब भी मैं घर आती हूँ ओहो पापा लाइक थोड़ा अनॉय करते हैं बट इट्स रियली स्वीट. वो फ्रूट्स काट काट के वो लिटरली मेरे को खिलाते रहते हैं, खा मेरे पीछे घूम के. मुझे लगता है कि पापा मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है मुझे ये खाना है, बट वो फिर पीछे घूम के नहीं बेटे खा. तो वो बहुत स्वीट चीज़ लगती है मुझे पापा की. थोड़ी मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ पापा के बारे में सोच के. मैं देख रही हूँ बहुत भाग भाग के सब काम कर रहे हैं वो, बट आई नो उनको बहुत फील हो रहा है कि मैं जाने वाली हूँ उनके घर से. तो वो थोड़ा है चीज जो मैं तो मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा अपने पापा को ही मिस करने वाली हूँ. बिकॉज पापा का क्या होता है, मम्मी तो इमोशंस बोल के एक्सप्रेस कर देती हैं, पापा कभी वो नहीं करते और मुझे लगता भी नहीं कभी करेंगे. वो चीज़ मुझे बहुत फील होती है, शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगी उनके साथ एक्सप्रेस. तो असली है शुरू ना. हमेशा कॉलेज में एक चीज़ कहती थी कि मुझे हिमाचल रहना है, चाहे मैं कोई कोर्स करने जाऊँ चाहे पढ़ने जाऊँ. तो अभी फाइनली मैं ले आया तुम्हें, मैरिज करके अब यहीं रहेंगे हमेशा. तो देख लो वेदर भी देख लो, तुम मेरे साथ रहोगी तो हर जगह ऐसा वेदर बनाएंगे.